ये जो खबर थी वो इसके पहले भी हम लोगों को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, एंड इसी से रिलेटेड हम लोगों को मतलब और ज़बरदस्त अपडेट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है टाटा ग्रुप से रिलेटेड। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि टाटा ग्रुप मतलब लगभग लगभग 19 साल के बाद एक और नया IPO लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते पूरे बाजार में एक्साइटमेंट है, आप सभी लोगों को पता है। एंड सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि मार्केट अभी फ़िलहाल देखा गया तो 18,500 है, मतलब उसके ऊपर चल रहा है। प्लस जिस प्रकार से अमेरिकन बाजार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो डेब्ट सेलिंग का जो एक इशू चल रहा था, डिफॉल्ट करेंगे वो भी हट चुका है, तो एक पॉजिटिव माहौल बाजार में यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड आपको पता है कि ऐसे माहौल में मतलब IPO लॉन्च करना एक सबसे मतलब सक्सेसफुल टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि माहौल अच्छा है, रिटेल इन्वेस्टर कमबैक करेंगे, बड़े बड़े हेडलाइंस बनेंगे कि मार्केट ने नया फ्रेश 52 एक हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई लगाया, तो वापस वो कमबैक करते हैं। एंड इसके चलते आपको पता है कि IPO में क्या चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी चाहिए, तो वो IPO बहुत ही हद तक हम लोग को और भी सक्सेसफुल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली हम सभी लोगों को पता ही है कि टाटा ग्रुप IPO लाने का प्लान कब से यहाँ पे कर रहा है, एंड इसी से रिलेटेड बहुत ही शानदार खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो पूरे डिटेल के साथ सारी चीज़ों को कवर करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, वो भी डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है। सो जितना डेटा पब्लिकली अवेलेबल है DRHP के थ्रू, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मेलिटीज आप सभी लोगों को पता ही है कि टाटा मोटर में ही हम लोग को वो कंपनी देखने को मिलती थी, कौन सी, टाटा टेक्नोलॉजी। तो टाटा टेक्नोलॉजी का ही क्या होने वाला है, IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ये जो कंपनी है, मतलब टाटा की तीसरी कंपनी हम लोगों को शेयर बाजार में देखने को मिलेगी। इसके पहले TCS देखने को मिल रहा था, टाटा लेक्सी भी है आप सभी लोगों को पता है, तो उसके बाद हम लोग को टाटा टेक्नोलॉजी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि IPO कब आएगा करके, बट इसी साल में यहाँ पे टाटा ने बताया कि वो IPO लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। सो इसके पहले आपको पता ही है कि 2004 में TCS का IPO आया था, एंड तभी मार्केट कैप देखिए कितना था, केवल 5,500 करोड़ के आसपास का वो IPO लेके आए थे, एंड आज वो कंपनी कहाँ से कहाँ निकल गई देखिए, राइट। ऑब्वियसली 2004 से लेके अभी तक 19 साल, बट स्टिल हम देख सकते कि मतलब 12-12.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एंड वहाँ पे सिर्फ 5,500 से शुरुआत यहाँ पे की थी। सो बताने का मकसद क्या दोस्तों कि टेक्नोलॉजी जो कंपनी होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रोथ भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड टाटा टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके मैक्सिमम शेयर्स टाटा मोटर के ही पास है, मतलब टाटा ग्रुप के ही पास है 72% से ज़्यादा। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अल्फा TCS होल्डिंग की बात करें तो उनके पास लगभग 9% है रफली, टाटा कैपिटल के पास रफली 4-4.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब अगर आप इन सभी परसेंटेज को जोड़कर देखोगे तो कुछ गैप बचेगा, तो बाकी बचा हुआ भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी आप लोगों को टाटा के ही डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली टाटा ग्रुप की ये कंपनी हम लोग को बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड उसी से रिलेटेड दोस्तों कि टाटा टेक्नोलॉजी कमा कितना रही है, तो वो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लिटरली मतलब चौंक जाओगे, इतना शानदार परफॉर्मेंस है। नो डाउट जो डेटा अवेलेबल है 31 मार्च के हिसाब से अवेलेबल है, तो कंपनी ने हाल ही में 48% के रेवेन्यू में जंप यहाँ पे रिपोर्ट की थी, जो कि होती है 3,500 करोड़ से भी ज़्यादा। एंड उसमें प्रॉफिट कंपोनेंट कितना था, लगभग 425 करोड़, तो कितना बनता है 83% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। सो एकदम सुपर डुपर धाकड़ कंपनी बाजार में आ रही है, ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी। आपको पता है बहुत सारे जो प्रमोटर होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि बस गले में माल उतारने के लिए एंड खुद का फायदा उठाने के लिए OFS लेके आते हैं, बट टाटा ग्रुप में आप सभी लोगों को पता है इस प्रकार की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए तो टाटा को ट्रस्ट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। सो हम कह सकते हैं इसी कंपनी में, टाटा टेक्नोलॉजी में लगभग 9,300 लोग काम करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। अक्रॉस द वर्ल्ड है मतलब इनके जो क्लाइंट्स आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में है, एशिया पैसिफिक की अगर रीजन की बात करें, यूरोप की बात करें, तो हर जगह पे हम लोगों को इनके क्लाइंट्स भी फैले हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिजिटल एंटरप्राइज सोल्यूशन DES की अगर हम लोग बात करें, एजुकेशन ऑफरिंग की बात करें, वैल्यू एडेड की बात करें, आई प्रोडक्ट्स की बात करें, सारी चीज़ें वो ऑफर यहाँ पे करती है। सो बहुत ही ज़बरदस्त एंड पावरफुल IPO अभी इसी साल हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है टाटा ग्रुप का। एंड अगर मैं कुछ डिटेल्स की बात करूँ तो जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो लगभग पूरा OFS रहने वाला है दोस्तों। OFS मतलब क्या, जो भी पैसा मिलेगा वो टाटा ग्रुप के जो प्रमोटर थे, जो शेयर्स बेच रहे हैं, उनके खाते में चला जाएगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। सो कितने शेयर्स वो यहाँ पे ऑफलोड करने वाले, लगभग 9.5 करोड़।
फेस वैल्यू कितना रहेगा, 2 का, मतलब भविष्य में एक बार स्प्लिट की आप उम्मीद यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर देखा गया तो बाकी के जो इनके शेयर होल्डर्स है, जैसे कि अल्फा टीसी की बात करें, ठीक है, तो लगभग 97 लाख शेयर यहाँ पे आप लोगों को बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड टाटा कैपिटल की बात करें तो लगभग 50 लाख, 49 लाख आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है DRHP फाइल यहाँ पे हो चुका है, अभी हाल ही में ही हम लोग को फाइल होते हुए देखने को मिला था, एंड इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। सबसे खास बात अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल 80 से लेके 82 के आसपास बताया जा रहा है कि इसका मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ऑब्वियसली ये ऊपर नीचे होगा, 80 का 70 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, सिमिलर वे 80 का 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। शेयर मार्केट है ना, इतना तो हम लोगों को समझ में आ जाता है ऊपर नीचे हो, शेयर प्राइस कैसे होता है वैसे ये चीज़ें भी होती है। सिर्फ ये मार्केट में लिस्टेड नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग को उसके प्राइस डेली बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं। बट बैक एंड की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग को प्राइस फ्लक्चुएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिलहाल प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें 82 रुपीज़ का अच्छा खासा फायदा पर शेयर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ये खबरें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितने डेटा अवेलेबल था, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। जैसे और भी डेटा सामने यहाँ पे आता रहेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग तलाश करते होंगे कि प्राइस कहाँ पे है, तो दोस्तों प्राइस अभी तक फाइनली डिटरमाइन होते हुए देखने को नहीं मिल रहे, वो भी आने वाले शायद से 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। और डेट कब है तो वो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी की ओर से हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। एक बार DRHP का परमिशन हो गया ना, उसके बाद वो देखेंगे कि मार्केट का सिनेरियो कैसा है, सब कुछ कन्वीनियंट है कि नहीं, एंड फिर वो IPO लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। वैसे तो टाटा ग्रुप को ऐसा कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है कि माहौल अच्छा होना चाहिए करके, बट फिर भी अगर माहौल अच्छा होता है तो आपको पता है कि एक एडिशनल पर्क हम लोगों को देखने को मिल जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था 2020 एंड 2021 में IPO की थी, लिटरली हम लोग को बारिश होते हुए देखने को मिली थी, और जो स्टॉक्स अच्छे भी नहीं थे उनके भी IPO जबरदस्त प्रीमियम के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिले थे। तो इसका अच्छा खासा फायदा कंपनीज एंड उनके प्रमोटर्स को भी यहाँ पे हो जाता है। देन दोस्तों अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की अगर मैं बात करूँ कि टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आएगा तो कॉम्पिटिशन जबरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए मतलब क्या, देखिए अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो वहाँ पे तो वैसे तो कंपनी का प्रेजेंस है ही, इसलिए तो कंपनी ने 400 करोड़ का प्रॉफिट किया है, ठीक है, 3,500 करोड़ का रेवेन्यू किया है। सो वैसे तो फाइटिंग तो चल रही है। शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यस, शेयर होल्डर्स के पास क्या आ जाता है, ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि ये कंपनी में जाए कि दूसरे कंपनी में जाए, राइट। अगर जितना लिमिटेड ऑप्शन होता है उतना जो कंपनियां लिस्टेड है उनका भाव बढ़ जाता है, बट जैसे ही कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है तो आप क्या कर लेते हो, अरे XYZ कंपनी छोड़ दीजिए, चलो ABC कंपनी में जाते हैं, वैल्यूएशन कंपैरिजन की जाती है। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा टक्कर यहाँ पे किस कंपनी को मिलने वाला है, तो KPIT टेक्नोलॉजी को मिलने वाला है। बीच में हम लोगों ने देखा भी था कि KPIT एक अच्छा खासा गिरा भी था, तो उसके पीछे का रीज़न भी हम लोग को यही देखने को मिला था कि KPIT ठीक है, एक ब्रोकर ने इसका वैल्यूएशन जो टारगेट था वो बहुत ही नीचे रख दिया, 500-550 के आसपास, बट उसी के साथ साथ उन्होंने रीज़न भी यही बताया था कि टाटा टेक्नोलॉजी का IPO अगर आ जाएगा तो KPIT टेक को एक अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। उसी के साथ साथ LTTS की बात करें उसको भी एक अच्छा खासा टक्कर मिलेगा, क्योंकि अगर इनके हम लोग बिजनेस को कंपेयर करें, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बिजनेसेस बताए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो ये अलग अलग सेगमेंट में एक कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो KPIT टेक LTTS को अच्छा टक्कर देगी। देन परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो ये भी इसी सेगमेंट में है, तो इसको भी शेयर वाइज हम लोग को अच्छा खासा कंपटीशन मिलते हुए देखने को जरूर मिलेगा। देन अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो साइंट लिमिटेड, ये भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसको भी एक शेयर वाइज के हिसाब से हम लोग को अच्छा खासा टक्कर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मैं बात करूँ तो इन्फोसिस, ये भी इसी सेगमेंट में काम, इन्फोसिस तो बहुत फैला हुआ बिजनेस है, हर टेक्नोलॉजी में इसका बिजनेस आपको मिल जाएगा, तो कोई भी टेक से जुड़ी हुई कंपनी आएगी ना तो इन्फोसिस को वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है, तो इसको भी अच्छा खासा टक्कर मिलेगा, ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड खुद की ही इनहाउस कंपनी टाटा लेक्सी की बात करें तो उसको भी अच्छा खासा टक्कर हम लोग को यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज की ओर से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, बट बताने का मकसद क्या है कि एक टाटा टेक्नोलॉजी का IPO बाजार में सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद, ठीक है, इतने सारे कंपनीज हम यहाँ पे कह सकते हैं उनके ऊपर हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा KPIT टेक खास करके फोकस में यहाँ पे ज़रूर रहेगा। और दोस्तों वैसे तो देखा गया तो टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड है, बट होता क्या है कि TCS, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि टाटा ग्रुप की टेक्नोलॉजी वाली कंपनी थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, भारत देश की सेकेंड एज पर द मार्केट कैप अभी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी एंड नंबर 1 की IT सेक्टर की कंपनी। देन टाटा लेक्सी की भी अगर हम लोग बात करें,
ठीक है, तो उसके भी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख लेना। तो टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज जो होते हैं ना दोस्तों, उनका परफॉर्मेंस एकदम कमाल का होता है। तो इसलिए हर कोई टाटा टेक्नोलॉजी का ये जो IPO रहने वाला है उसको बहुत ही पॉजिटिव वे से देख रहा है कि ये कंपनी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लिस्टिंग गेन हो ना हो उतना भी नहीं, लॉन्ग टर्म की भी अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी बहुत बड़ा धूम मचा सकती है। इसलिए हर किसी का फोकस इस कंपनी के प्रति बहुत ही हम लोग को स्ट्रांग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से टाटा ग्रुप ना, तो एक दिमाग का मतलब बोलते हैं ना कि वो एक टेंशन होता है कि अरे प्रमोटर तो हम लोग को बेवकूफ़ तो नहीं बनाएंगे ना कि सिर्फ माल लेकर भाग जाएंगे, सो वो भी एक थोड़ा सा रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए ये जो खबर थी वो इसके पहले भी हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, एंड इसी से रिलेटेड हम लोगों को मतलब और ज़बरदस्त अपडेट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है टाटा ग्रुप से रिलेटेड। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि टाटा ग्रुप मतलब लगभग 19 साल के बाद एक और नया IPO लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसी चीज़ के चलते पूरे बाजार में एक्साइटमेंट है, आप सभी लोगों को पता है। एंड सबसे खास बात क्या है दोस्तों कि मार्केट अभी फिलहाल देखा गया तो 18,500 है, मतलब उसके ऊपर चल रहा है। प्लस जिस प्रकार से अमेरिकन बाजार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जो डेब्ट सेलिंग का जो एक इशू चल रहा था डिफॉल्ट करेंगे वो भी हट चुका है, तो एक पॉजिटिव माहौल बाजार में यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड आपको पता है कि ऐसे माहौल में मतलब IPO लॉन्च करना एक सबसे मतलब सक्सेसफुल टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि माहौल अच्छा है, रिटेल इन्वेस्टर कमबैक करेंगे, बड़े बड़े हेडलाइंस बनेंगे कि मार्केट ने नया फ्रेश 52-week हाई के साथ साथ ऑल टाइम हाई लगाया, तो वापस वो कमबैक करते हैं। एंड इसके चलते आपको पता है कि IPO में क्या चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी चाहिए, तो वो IPO बहुत ही हद तक हम लोग को और भी सक्सेसफुल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो डेफिनेटली हम सभी लोगों को पता ही है कि टाटा ग्रुप IPO लाने का प्लान कब से यहाँ पे कर रहा है, एंड इसी से रिलेटेड बहुत ही शानदार खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो पूरे डिटेल के साथ सारी चीज़ों को कवर करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, वो भी डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है। सो जितना डेटा पब्लिकली अवेलेबल है DRHP के थ्रू, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मेलिटीज़ आप सभी लोगों को पता ही है कि टाटा मोटर में ही हम लोग को वो कंपनी देखने को मिलती थी, कौन सी, टाटा टेक्नोलॉजी। तो टाटा टेक्नोलॉजी का ही क्या होने वाला है, IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ये जो कंपनी है, मतलब टाटा की तीसरी कंपनी हम लोगों को शेयर बाजार में देखने को मिलेगी। इसके पहले TCS देखने को मिल रहा था, टाटा एलेक्सी भी है आप सभी लोगों को पता है, तो उसके बाद हम लोग को टाटा टेक्नोलॉजी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि IPO कब आएगा करके, बट इसी साल में यहाँ पे टाटा ने बताया कि वो IPO लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। सो इसके पहले आपको पता ही है कि 2004 में TCS का IPO आया था, एंड तभी मार्केट कैप देखिए कितना था, केवल 5,500 करोड़ के आसपास का वो IPO लेके आए थे। एंड आज वो कंपनी कहाँ से कहाँ निकल गई देखिए, राइट। ऑब्वियसली 2004 से लेके अभी तक 19 साल, बट स्टिल हम देख सकते कि मतलब 12-12.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, एंड वहाँ पे सिर्फ 5,500 से शुरुआत यहाँ पे की थी। सो बताने का मकसद क्या दोस्तों कि टेक्नोलॉजी जो कंपनी होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड टाटा टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके मैक्सिमम शेयर्स टाटा मोटर के ही पास है, मतलब टाटा ग्रुप के ही पास है 72% से ज़्यादा। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अल्फा TCS होल्डिंग की बात करें तो उनके पास लगभग 9% है रफली। टाटा कैपिटल के पास रफली 4-4.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब अगर आप इन सभी परसेंटेज को जोड़कर देखोगे तो कुछ गैप बचेगा, तो बाकी बचा हुआ भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी आप लोगों को टाटा के ही डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली टाटा ग्रुप की एक कंपनी हम लोग को बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड उसी से रिलेटेड दोस्तों कि टाटा टेक्नोलॉजी कमा कितना रही है, तो वो परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो लिटरली मतलब चौंक जाओगे, इतना शानदार परफॉर्मेंस है। नो डाउट जो डेटा अवेलेबल है 31 मार्च के हिसाब से अवेलेबल है, तो कंपनी ने हाल ही में 48% के रेवेन्यू में जंप यहाँ पे रिपोर्ट की थी, जो कि होती है 3,500 करोड़ से भी ज़्यादा। एंड उसमें प्रॉफिट कंपोनेंट कितना था, लगभग 425 करोड़, तो कितना बनता है 83% का प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। सो एकदम सुपर डुपर धाकड़ कंपनी बाजार में आ रही है, ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग कंपनी। आपको पता है बहुत सारे जो प्रमोटर होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, वो क्या करते हैं कि बस गले में माल उतारने के लिए एंड खुद का फायदा उठाने के लिए OFS लेके आते हैं, बट टाटा ग्रुप में आप सभी लोगों को पता है इस प्रकार की कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए तो टाटा को ट्रस्ट के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। सो हम कह सकते हैं इसी कंपनी में, टाटा टेक्नोलॉजी में लगभग 9,300 लोग काम करते अक्रॉस द वर्ल्ड,
राइट अक्रॉस द वर्ल्ड है, मतलब इनके जो क्लाइंट्स आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में है, एशिया स्पेसिफिक की अगर रीजन की बात करें, यूरोप की बात करें, तो हर जगह पे हम लोगों को इनके क्लाइंट्स भी फैले हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिजिटल एंटरप्राइज सॉल्यूशन DES की अगर हम लोग बात करें, एजुकेशन ऑफरिंग की बात करें, वैल्यू एडेड की बात करें, आई प्रोडक्ट्स की बात करें, सारी चीज़ें वो ऑफर यहाँ पे करती है। सो बहुत ही ज़बरदस्त एंड पावरफुल IPO अभी इसी साल हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है टाटा ग्रुप का। एंड अगर मैं कुछ डिटेल्स की बात करूँ तो जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो लगभग पूरा OFS रहने वाला है दोस्तों। OFS मतलब क्या, जो भी पैसा मिलेगा वो टाटा ग्रुप के जो प्रमोटर थे, जो शेयर्स बेच रहे उनके खाते में चला जाएगा, कंपनी को नहीं मिलेगा। सो कितने शेयर्स वो यहाँ पे ऑफलोड करने वाले हैं, लगभग 9.5 करोड़। फेस वैल्यू कितना रहेगा, 2 का, मतलब भविष्य में एक बार स्प्लिट की आप उम्मीद यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर देखा गया तो बाकी के जो इनके शेयर होल्डर्स है जैसे कि AlphaTC की बात करें, ठीक है, तो लगभग 97 लाख शेयर्स यहाँ पे आप लोगों को बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड टाटा कैपिटल की बात करें तो लगभग 50 लाख, 49 लाख आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है DRHP फाइल यहाँ पे हो चुका है, अभी हाल ही में ही हम लोग को फाइल होते हुए देखने को मिला था। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। सबसे खास बात अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल 80 से लेके 82 के आसपास बताया जा रहा है कि इसका मार्केट प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। एंड ऑब्वियसली ये ऊपर नीचे होगा, 80 का 70 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, सिमिलर वे 80 का 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। शेयर मार्केट है ना, इतना तो हम लोगों को समझ में आ जाता है ऊपर नीचे हो, शेयर प्राइस कैसे होता है, वैसे ये चीज़ें भी होती है। सिर्फ ये मार्केट में लिस्टेड नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग को उसके प्राइस डेली बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिलते हैं। बट बैक एंड की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग को प्राइस फ्लक्चुएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो फिलहाल प्रीमियम की अगर हम लोग बात करें 82 रुपीज़ का अच्छा खासा फायदा पर शेयर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ये खबरें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितने डेटा अवेलेबल था, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। जैसे और भी डेटा सामने आप आता रहेगा, जैसे कि बहुत सारे लोग तलाश करते होंगे कि प्राइस कहाँ पे है, तो दोस्तों प्राइस अभी तक फाइनली डिटरमाइन होते हुए देखने को नहीं मिल रहे, वो भी आने वाले शायद से 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। और डेट कब है तो वो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी की ओर से हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। एक बार DRHP का परमिशन हो गया ना, उसके बाद वो देखेंगे कि मार्केट का सिनेरियो कैसा है, सब कुछ कन्वीनियंट है कि नहीं, एंड फिर वो IPO लेकर यहाँ पे आ जाएंगे। वैसे तो टाटा ग्रुप को एज सच कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है कि माहौल अच्छा होना चाहिए करके, बट फिर भी अगर माहौल अच्छा होता है तो आपको पता है कि एक एडिशनल पर्क हम लोग को देखने को मिल जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था 2020 एंड 2021 में IPO की थी, लिटरली हम लोग को बारिश होते हुए देखने को मिली थी, और जो स्टॉक्स अच्छे भी नहीं थे उनके भी IPO जबरदस्त प्रीमियम के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिले थे। तो इसका अच्छा खासा फायदा कंपनीज एंड उनके प्रमोटर्स को भी यहाँ पे हो जाता है। देन दोस्तों अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की अगर मैं बात करूँ कि टाटा टेक्नोलॉजी का IPO आएगा तो कॉम्पिटिशन जबरदस्त तरीके से हम लोग को बढ़ते हुए मतलब क्या, देखिए अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो वहाँ पे तो वैसे तो कंपनी का प्रेजेंस है ही, इसलिए तो कंपनी ने 425 करोड़ का प्रॉफिट किया है, ठीक है, 3,500 करोड़ का रेवेन्यू किया है। सो वैसे तो फाइटिंग तो चल रही है। शेयर मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो यस, शेयर होल्डर्स के पास क्या आ जाता है, ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं कि ये कंपनी में जाए कि दूसरे कंपनी में जाए, राइट। अगर जितना लिमिटेड ऑप्शन होता है उतना जो कंपनियां लिस्टेड है उनका भाव बढ़ जाता है, बट जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है तो आप क्या कर लेते हो, अरे XYZ कंपनी छोड़ दीजिए, चलो ABC कंपनी में जाते हैं, वैल्यूएशन कंपैरिजन किए जाती है। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ा टक्कर यहाँ पे किस कंपनी को मिलने वाला है, तो KPIT टेक्नोलॉजी को मिलने वाला है। बीच में हम लोगों ने देखा भी था कि KPIT टेक अच्छा खासा गिरा भी था, तो उसके पीछे का रीज़न भी हम लोग को यही देखने को मिला था कि KPIT टेक, ठीक है, एक ब्रोकर ने इसका वैल्यूएशन जो टारगेट था वो बहुत ही नीचे रख दिया, 500-550 के आसपास, बट उसी के साथ साथ उन्होंने रीज़न भी यही बताया था कि टाटा टेक्नोलॉजी का IPO अगर आ जाएगा तो KPIT टेक को एक अच्छा खासा टक्कर यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये एक देखने वाली बात ज़रूर होगी। उसी के साथ साथ LTTS की बात करें उसको भी एक अच्छा खासा टक्कर मिलेगा, क्योंकि अगर इनके हम लोग बिजनेस को कंपेयर करें, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को बिजनेसेस बताए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो ये अलग अलग सेगमेंट में एक कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो KPIT टेक LTTS को अच्छा टक्कर देगी। देन परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो ये भी इसी सेगमेंट में है, तो इसको भी शेयर वाइज हम लोग को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन मिलते हुए देखने को जरूर मिलेगा। देन अगर हम लोग आगे बढ़ते तो साइंट लिमिटेड, ये भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, इसको भी एक शेयर वाइज के हिसाब से हम लोग को अच्छा खासा टक्कर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मैं बात करूँ तो इन्फोसिस,
ये भी इसी सेगमेंट में काम। इंफोसिस तो बहुत फैला हुआ बिजनेस है, हर टेक्नोलॉजी में इसका बिजनेस आपको मिल जाएगा। तो कोई भी टेक से जुड़ी हुई कंपनी आएगी ना, तो इंफोसिस को वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसको भी अच्छा खासा टक्कर मिलेगा, ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड खुद की ही इनहाउस कंपनी टाटा लेक्सी की बात करें तो उसको भी अच्छा खासा टक्कर हम लोग को यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज की ओर से देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग को एडजस्टमेंट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। बट बताने का मकसद क्या है कि एक टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ बाजार में सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद, ठीक है, इतने सारे कंपनीज हम यहाँ पे कह सकते हैं उनके ऊपर हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा केपीआईटी टेक खास करके फोकस में यहाँ पे जरूर रहेगा। और दोस्तों वैसे तो देखा गया तो टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, बट होता क्या है कि TCS, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि टाटा ग्रुप की टेक्नोलॉजी वाली कंपनी थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, भारत देश की सेकेंड एज पर द मार्केट कैप अभी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी एंड नंबर वन के आईटी सेक्टर की कंपनी, देन टाटा लेक्सी की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसके भी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देख लेना, तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज जो होते हैं ना दोस्तों उनका परफॉर्मेंस एकदम कमाल का होता है। तो इसलिए हर कोई टाटा टेक्नोलॉजी का ये जो आईपीओ रहने वाला है उसको बहुत ही पॉजिटिव वे से देख रहा है कि ये कंपनी सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, लिस्टिंग गेन हो ना हो उतना भी नहीं, लॉन्ग टर्म की भी अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी बहुत बड़ा धूम मचा सकती है। इसलिए हर किसी का फोकस इस कंपनी के प्रति बहुत ही हम लोग को स्ट्रांग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऊपर से टाटा ग्रुप ना तो एक दिमाग का मतलब बोलते हैं ना कि वो एक टेंशन होता है कि अरे प्रमोटर तो हम लोग को बेवकूफ़ तो नहीं बनाएंगे ना कि सिर्फ माल लेकर भाग जाएंगे, सो वो भी एक थोड़ा सा रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है।